आम फलों का राजा है, आम सभी को प्रिय है। बिहार में आम की वैरायटी को दर्शाने के लिए पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आम महोत्सव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और आम की वैरायटी को देखा, साथ ही आम का स्वाद भी चखा। इस आम महोत्सव में बिहार भर की बेहतर क्वालिटी के आम को प्रदर्शनी में रखा गया है। कृषि मंत्री मंगल पांडे भी शामिल हुए। मंत्री मंगल पांडे ने इस दौरान कहा कि बिहार आम के उत्पादन के लिए मशहूर है। यह मालदा, बंबई, जरदालू क्वालिटी के आम की पैदावार होती है। उत्पादक जो हमारे किसान हैं, उन किसानों के बीच एक बेहतर प्रतियोगिता हो, जिस प्रतियोगिता के आधार पे वो नए नए आम के प्रभेदों का अनुसंधान कर सके और बिहार के आमों की ख्याति और दुनिया में बढ़ सके। उनका जो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग में भी हम कैसे उनको मदद करें और बिहार के आम विदेशों में ज्यादा से ज्यादा जाएं, ये हमारा प्रयास है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस आम महोत्सव का उद्घाटन किया और उन्होंने विभिन्न प्रकार के 400 से अधिक वैरायटी के आम यहाँ पे रखे हुए उत्पाद। आप आम के शौकीन हैं, अगर आप रसीले आम खाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार सरकार और कृषि विभाग की तरफ से आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है और ये आयोजन है पटना के गांधी मैदान से ठीक सटे ज्ञान भवन में। यहाँ पे आम की प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो आम होते हैं उसकी क्वालिटी यहाँ पे है और आप यहाँ से रसीले आम को खरीद सकते हैं। देखिए, जैसे मोतिहारी में जर्दा आम होता है, बेतिया में जर्दा आम होता है, सीतामढ़ी में बम्बैया, मुजफ्फरपुर में मालदा, भागलपुर में मालदा, कटिहार में मालदा, भागलपुर में जर्दालू, बांका में जर्दालू और मालदा, यानी बिहार के अलग अलग जिले में जिस तरह के आम होते हैं उसको यहाँ पे मैप के जरिए दिखाया गया है। ये तो आपने मैप दिखा है और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पे किस किस तरह के आम की क्वालिटी रखी गई है। यहाँ देखिए, ये आम महोत्सव 2004 है और यहाँ पे अलग अलग आम की क्वालिटी रखी गई है। इसका नाम है जिट बैन मैंगो। यहाँ पे इस आम की क्वालिटी रखी गई है। इसके अलावा जो कृष्ण भोग है, ये देखिए, भगवान कृष्ण के नाम पे ये आम है। ये देखिए, ये हमारे हाथ में कृष्ण भोग आम है और जो है इसकी साइज देखिए बहुत बड़ी है और ये हमें लगता है कि ये कम से कम 400 से 500 ग्राम के बीच एक आम आता होगा। ये कृष्ण भोग देखिए, ये पकने की कगार पे है। इसकी क्वालिटी होती है कि ये खाने में बहुत मीठा होता है, छिलका बहुत पतला होता है और बीज बहुत छोटा और ये गुदादार होता है। इसी तरीके से लंगड़ा और मालदा आम, मालदा बिहार की पहचान मालदा आम से है और ये मालदा आम देखिए, ये देखिए आम की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मालदा आम है और लंगड़ा आम है यहाँ पे रखा गया। इसके अलावा और भी जो दूसरे आम की क्वालिटी है हम उसको आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये अफाजली क्वालिटी का आम है। अफाजली क्वालिटी का आम है, बहुत बड़ा ये आम है और देखिए इसकी साइज देखिए कितनी बड़ी है। तो हम अपने 11% से कहेंगे, देखिए इस आम का जो साइज है इसका नाम है अफाजली आम है। ये अगड़े क्वालिटी का आम है और इस तरीके से यहाँ पे इस आम को रखा गया है। यानी अगर आप आम के शौकीन हैं, आम खाना चाहते हैं तो आप बेशक अभिज्ञान भवन आइए और आपके लिए आम तैयार मिलेगा। कृषि विभाग की तरफ से आम की ये प्रदर्शनी लगाई गई है और जो लोग आम के शौकीन हैं वो उनको एक बार कम से कम ज्ञान भवन जरूर आकर देखना चाहिए। 11% फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।